अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी हमीद खान बोल रहा हूँ नागपाड़ा ढंका रोड से। मेरे साथ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तबीयत वगैरह मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मेरे शोल्डर वगैरह में बहुत जैसे शोल्डर में और ये पैरों के जोड़ों में थोड़ी दर्द थी, तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ। फिर किसी ने मुझे डॉक्टर का नाम दिया, एलोपैथिक, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे टेस्ट करने वगैरह बताया, तो उसमें ब्लड टेस्ट वगैरह हरे वगैरह जो भी होता है, जो डॉक्टर लोग के हिसाब से उन्होंने मुझे टेस्ट किया, वो टेस्ट के अंदर उन्होंने बताया कि मेरे ब्लड के अंदर आरए पॉजिटिव कुछ 235 वगैरह है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम मेरी बढ़ते जा रही थी, जोड़ों में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, और मैं बहुत परेशान हो गया था। तो दवा मैंने कम से कम 6 महीने उन लोगों की खाया, तो उस दवे से मुझे एकदम हिस्सेडेबा की तकलीफ, सीने में जलन और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम उससे और बढ़ने लगी मेरी। तो मुझे किसी ने कहा कि आयुर्वेदिक का देखो, तो मुझे एक किसी ने एड्रेस दिया आपका उड़ुपी बेंगलोर के एक स्टेशन पहले, वो IHD अस्पताल है, तो वहाँ मुझे किसी ने एड्रेस दिया कि भाई वहाँ आयुर्वेदिक का बहुत अच्छा इलाज होता है। मैं वहाँ पे भी गया, वहाँ भी मैंने कम से कम 8-10 दिन वहाँ रह के मालिश वगैरह जो भी है सब कराया वगैरह, तो जब तक वो मालिश और दवा चालू रहती है तो ठीक रहता है। अब वो दवा उन्होंने मुझे 3-4 महीने की दी थी, तो उसमें ठीक लग रहा था मेरे को। अब वो दवा जैसे बंद की है तो फिर मेरा वापस से दर्द चालू हो गया और बहुत ज़्यादा तकलीफ ही है। तो मेरे एक दोस्त ने फिर अनवर भाई का मेरे को बताया कि होम्योपैथी का ऐसा ऐसा है, और मेरे पहचान के भी थे, तो मैं उनके पास आया, उनसे दवा वगैरह चालू किया। जब मैंने दवा चालू किया तो उस वक्त मेरा खून के अंदर वापस से उन्होंने टेस्ट कराया तो कुछ 235 या 240 कुछ था। इन्होंने जब दवा मुझे स्टार्ट किया ना अनवर भाई ने, तो उससे मेरी जितनी बीमारी थी एकदम बढ़ के आ गई। मिस्टर हमीद, मैं यहाँ आपको रोकना चाहती हूँ। आपने बोला कि आपको जोड़ों की दर्द थी जब आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट चालू किया, कौन से जोड़ों में दर्द था आपके? मैडम, ये सबसे पहला तो मेरा शोल्डर में दर्द चालू हुआ, यहाँ पे सुबह के टाइम उठता था ना मैडम, तो ये पूरा जाम हो जाता था मेरा ये। वो फिर मैं मालिश वगैरह कराता था, तेल वगैरह, तो बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो मेरे एक दो दोस्त ने बताया कि वो एलोपैथी में बहुत अच्छा डॉक्टर है, उनके पास जाइए, वो इसी के स्पेशलिस्ट से बोले, तो वहाँ जाके तो उन्होंने मुझे टेस्ट कराया, तो मेरे को मालूम पड़ा इसके अंदर। तो लेफ्ट शोल्डर में आपके दर्द होता बहुत ज़्यादा होता। और कौन सी जोड़े अफेक्ट थी तभी आपकी? यहाँ पे ज़्यादा दर्द होता था, कभी सोने होने में, कभी ये बैग में भी, कभी कभार यहाँ पे साइड में भी दर्द होता था। ये इतने तो यहाँ और यहाँ में कभी भी तकलीफ होती थी मॉर्निंग के टाइम पे। और ये तकरीबन कितने साल पहले की बात है? मैडम कम से कम 2 साल हो गया हुआ मैडम ये। मतलब 2016? जी 2016 एंडिंग की। अच्छा ठीक है, तो पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तभी अपने ब्लड टेस्ट में आरए पॉजिटिव आ गया था, तकरीबन 235 उसकी रेंज। जी मैम जी। उसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हुई। हाँ, वो 2-4 महीने जब वो दवा मैंने किया तो उससे मुझे वो पूरे जिस्म में जैसे वो डकार वगैरह पी लूँ ना खाने के बाद, तो दवा जैसी महसूस होती थी, और उससे क्या थोड़ा तकलीफ मेरे को वक्ती, जब मैं दवा खाता था उसके अंदर तो दवाई खाने के टाइम पे आराम रहे, और एक आध दिन में अगर लेट हो जाऊँ तो दर्द वापस सेम वैसे हो जावे। तो 4 महीने में देखा मैडम, फिर उसके बाद मैं बोला आयुर्वेदिक का करता हूँ, तो किसी ने मुझे वहाँ का एड्रेस दिया उड़ुपी का, तो वहाँ जाके मैंने 8 दिन वहाँ दवा एडमिट हुआ, दवा हुआ लिया वहाँ। जिस वक्त दवा करता हूँ उस वक्त ठीक रहता है, दवा बंद करते फिर ये वापस से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। डॉक्टर अनवर आमिर के यहाँ आपने ट्रीटमेंट कभी चालू की? मैडम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? जी। जब आप पहली बार यहाँ पर आए थे तो आपको क्या तकलीफ हो रही थी, पूरा डिटेल में बताइए। जब मैं यहाँ आया तो ये पैर के पंजे में और ये अपना घुटने में, और बेड पे मैं एकदम लेट गया था तो उठ नहीं पाता था, ऐसा था। मॉर्निंग में तो मेरे को लोग उठाते थे, मेरे घर वाले मेरे को उठाते थे, उस वक्त मैं इधर आया था। और वहाँ फिर आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब ने मेरी हिस्ट्री वगैरह लिए और उसके बाद मेरी दवा स्टार्ट की, तो इनकी दवा से जो प्रॉब्लम थी मेरी और एकदम स्पीड में बढ़ गई। मतलब क्या हुआ, बढ़ गई? मतलब बढ़ गई कि वो समझ लो मैं हाथ पैर और ये इनकी दवा जो स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले कहा था कि जो तकलीफें रहेगी बढ़ेगी और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उन्होंने मुझसे पहले बता दिया था। और कोई इंग्लिश दवा और कोई चीज़ आप लेना नहीं, ये चीज़ बढ़ेगी। और जब इन्होंने दवा स्टार्ट किया तो 2-3 दिन में तो कुछ नहीं मालूम पड़ा, तीसरे दिन मैं उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, और पूरा जिस्म ऐसा लगता था लॉक हो गया। और ये कम से कम 8-10 दिन का डॉक्टर साहब ने मेरे को बोले थे कि इस मैटर में मुझको फ़ोन नहीं करना कि पेन दर्द हो रहा है और ये हो रहा है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी।
जी तो मैंने सर को फ़ोन भी नहीं किया और कम से कम 10-12 दिन बहुत तकलीफ़ से मैंने निकाला। फिर उसके बाद जब 15 दिन के बाद वापस डॉक्टर साहब के पास मैं आया हूँ, घर वाले लेके आए, तो उन्होंने फिर दवा जो स्टार्ट की है तो अल्लाह का शुक्र उससे फ़र्क पड़ा धीरे धीरे धीरे। कभी कभार ये चीज़ें ना बढ़ जाती थी। बीच में ऐसा इतफाक हुआ कि 2-3-4 महीना पहले कि तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जी चाह रहा था कि दीवार पे सर मार के अपना सर तोड़ लूँ। तो फिर दूसरे दिन मैं वापस डॉक्टर साहब के पास आया, पूरी डिटेल बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ तो आपने टेंशन लिए क्या, कुछ प्रेशर लिए क्या, ऐसा कर। उन्होंने सवाल जवाब किया जो मेरे साथ हुआ था मैं बताया उनको। और तभी कौन से जोड़ अफेक्टेड थे आपके, ये बीच में आपने 2-3 महीने पहले क्या तकलीफ हो रही थी आपको? मैम ये लेफ्ट साइड का हाथ है ना, और लेफ्ट साइड की जांघ के पास का जो हिस्सा होता है ना पूरा लॉक हो गया था। और लॉक होने के बाद है ना उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। अच्छा होने के बाद फिर केस बिगड़ने लगा था, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था और उस सोच सोच के और ज़्यादा टेंशन में ये चीज़ें शायद लगता और टेंशन जब बढ़ते क्या बढ़ती मुझे नहीं मालूम। क्या सोच रहे थे कि मैं कि इतना अच्छा लोगों के लिए मैं करता हूँ, लोगों के लिए भागदौड़ करता हूँ, और मेरे इतने ताल्लुकात, मेरे इतने पहचान, इतने डॉक्टर लोग दोस्त हैं, और मैं अपना खुद का इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, ये सोच सोच के इतना प्रेशर हाई होता था कि जी चाहता था कि दीवार पे सर मार के सर फोड़ने। गुस्सा इतना आ रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकते कितना गुस्सा मुझे आ रहा था। क्यों गुस्सा आ रहा था आपको? कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जी, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है लोगों के लिए मैं भागदौड़ करता हूँ, जो भी है एक्स वाई जेड अल्लाह ताला जो मेरे मुकद्दर में जो नेकियां हो क्या लिखी है तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, बाकी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे इतना प्रेशर होता था। जबकि मेरे डॉक्टर दोस्त वगैरह है, जान पहचान के ताल्लुकात मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, और इतना होने के बाद भी मेरा काम नहीं हो पा रहा, इसके लिए इतना मेरे को बर्दाश्त के बाहर हो गया। गुस्से में क्या क्या करते थे आप? गुस्से में तो मुझसे गाली वगैरह भी निकल जाती थी, घर में वाइफ से झगड़ा भी हो गया था उस दिन, जिस दिन तकलीफ ज़्यादा थी, और मेरी वाइफ ने मुझे बहुत समझाया, नहीं तो मैं वाकई उस दिन दीवार पे सर मार के ना तोड़ लेता, जी चाहता कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। क्या बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था? दर्द, जो दर्द था ना वो लेफ्ट साइड का हाथ और एकदम लॉक हो गया था, एकदम बोले तो काम ही नहीं कर रहा था, तो वो उससे छिछड़ापन हो गया था मेरे को रात में। फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछे बिना इंग्लिश एक पेन किलर भी खा लिया था, उसके बाद सेकंड पेन किलर खाया तो भी मुझे कुछ असर नहीं हुआ, और रात में कम से कम 4-6 घंटा इसी निकाला हूँ, वो दर्द जाने को तैयार नहीं था। जबकि अनवर भाई ने कहा था कि पेन किलर नहीं खाना, बाकी मैं उनको पूछे बिना पेन किलर भी खाने के बाद भी मुझे वो तकलीफ का 6-8 घंटा जो तकलीफ भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और फिर उसके सेकंड अनवर भाई के इधर आया, उनको पूरा ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कुछ बुक वगैरह में और मुझसे डिस्कस करके और फिर मेरी दवा वगैरह कुछ चेंज किए, तो अल्लाह का शुक्र है आज 2-3 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तबीयत में भी फर्क है और चलने फिरने में भी आराम है। लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट पैर का दर्द कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत फर्क है, अभी जो सेकंड अनवर भाई ने जो दवा चालू की आज से 2-3 दिन पहले उससे मेरे को बहुत बड़ा तो बहुत फर्क आया। अभी गुस्सा चिड़चिड़ापन? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है एकदम 100 में से 70% अल्लाह का शुक्र है फर्क है मेरे को। इस दौरान में आरए फिर से किया था, ब्लड टेस्ट की थी आपने? नहीं अभी नहीं किया मैंने। बीच में यहाँ ट्रीटमेंट आपने चालू किया था तो आरए फैक्टर कितना था? हाँ, उसके बाद जब सरकार चालू करने के कुछ 8-9 महीने के बाद, 9 या 10 महीने के बाद कंफर्म याद नहीं मेरे को, जब मैंने सर की दवा चालू करने जब वापिस चेक कराया तो 175 ऐसा कुछ आया था कुछ पॉइंट। और जब ट्रीटमेंट चालू किए तभी कितना था? 235। ओके, इसके बाद कभी टेस्ट करना हुआ आपका? नहीं मैम उसके बाद नहीं हुआ। आज के तारीख में आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है मैम अभी बता रहा हूँ ना, खाली वही सुबह उठता हूँ तो जोड़ों में थोड़ी तकलीफ रहती है, जोड़ों में बोले तो वही पूरा लॉक हो जाता है, फिर थोड़ा उठने के बाद एक 5-2 मिनट थोड़ा खड़े रहता हूँ, उसके बाद थोड़ा आगे पीछे होता हूँ, तो जैसे वो मोबाइल की बैटरी नहीं चार्ज करते है थोड़ा वजह सुबह मॉर्निंग में चार्ज करना पड़ता है, बाकी अल्लाह का शुक्र है थोड़ा चलने के बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये दर्द और लॉक होना जो सुबह में है वो पहले के कंपैरिजन में कैसा है? यहाँ ट्रीटमेंट कम है मैम, कम है। 1 रुपए में कितना फर्क है? 1 रुपए में मैडम 60% फर्क है मेरे को। अच्छा, और कुछ? पहले जो था ना मेरे को जो दर्द होता ना तो बिस्तर पे तो उठ नहीं पाता था, और अभी कैसे मैं खुद उठता हूँ, पैर तो थोड़ा बैलेंस बना के हाथ का बैलेंस बना के फिर उठता हूँ, और उठने के 2-5 मिनट थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होऊंगा ना तो फिर चलना फिरना सब आराम से। तो ओवरऑल ट्रीटमेंट से आपको कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र है मेरे को बहुत फ़र्क लगा है, और मैं पहली चीज़ तो आप लोगों को ये बता दूँ
जो भी वीडियो देखेगा मेरे को इसमें कोई पॉलिसी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे दवे से मुझे बहुत फ़र्क है, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला इसका जरा अनवर भाई को देवे जिन्होंने मुझे अल्लाह का शुक्र इस लाइक बनाया कि थोड़ा मैं चल सकता हूँ। अभी थोड़ा मेरा मूड वगैरह भी फ्रेश रहता है, पहले तो मूड भी फ्रेश नहीं रहता, कारोबार में दिल ही नहीं लगता था क्योंकि दर्द की वजह से छिछड़ा बनने लगा। अभी आज मैं अपने ऑफिस में आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सब में जैसा सिस्टम पहले चला 2-2.5 साल पहले उसी तरह फिर धीरे धीरे मैं अपना कारोबार स्टेप बाई स्टेप चालू कर दूँ और चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू मिस्टर।